4 फरवरी मतलब सोमवार को सभी को इंतजार था आईपीएल 2019 के शेड्यूल का, लेकिन बीसीसीआई ने फिर से शेड्यूल को डिले कर दिया है। मतलब अभी बीसीसीआई शेड्यूल को बाहर नहीं ला रहा है, लॉन्च नहीं कर रहा है, रिलीज नहीं कर रहा है। कई बड़े बड़े कारण बीसीसीआई के सामने रोड़ा बनकर सामने आ चुके हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर क्या मसला हुआ है बीसीसीआई के साथ और आखिर क्यों शेड्यूल नहीं आ रहा है। तो भाई एंड तक हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों आईपीएल फैन आर्मी को अभी ज्वाइन कीजिए, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो को लाइक देना, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली बड़ी दिक्कत, जो सबसे बड़ी दिक्कत बीसीसीआई के सामने आ गई है, वो है वेन्यूज को लेकर। बीसीसीआई ने कह तो दिया है कि पूरा आईपीएल भारत में होगा, लेकिन अभी तक लोकसभा चुनाव की डेट्स नहीं आई है, इसीलिए बीसीसीआई को पता ही नहीं है कि वेन्यूज कैसे तय किए जाए। आज की कंडीशन में बीसीसीआई तय नहीं कर सकता कि कौन से वेन्यूज पे कब मैच होगा, और ये सबसे बड़ी दिक्कत बीसीसीआई के साथ है, क्योंकि आपको वेन्यूज ही नहीं पता है तो शेड्यूल रिलीज करने का मतलब ही नहीं है। ये तो आपने बता ही दिया है कि 23 मार्च से आईपीएल शुरू होगा, तो फिर शेड्यूल में आप वेन्यूज ही नहीं बताएंगे तो कोई मकसद उसका बचता ही नहीं है। ये पूरा आईपीएल देखिए दोस्तों बैक ऑफ द फील्ड वेन्यूज के आधार पर ही चलता है, क्योंकि उसमें ही ट्रैवलिंग होती है, उसमें ही पिच होती है, उसमें ही वेदर देखना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है बीसीसीआई के सामने। जो दूसरी बड़ी दिक्कत बीसीसीआई के सामने दोस्तों निकल कर आ रही है, वो है डेट क्लैश की। दरअसल दोस्तों मान लीजिए 19 तारीख को दिल्ली में एक तरह से कह लेते हैं कि चुनाव की तारीख हो, 19 को ही अगर आप दिल्ली में मैच करते हैं तो संभवतः मैच हो ही नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में उस दिन के मैच को आपको और कहीं सेट करना पड़ेगा, तो अगर पूरे महीने अगर चुनाव चलेगा तो आप किस तरह से शेड्यूल को बदलेंगे, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है बीसीसीआई के सामने। और तीसरी बड़ी दिक्कत है प्रोविजनल शेड्यूल की। आज अगर शेड्यूल आ जाता है तो वो एक प्रोविजनल शेड्यूल होगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। आज ही आईपीएल का अगर आप शेड्यूल दे दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि जब तक लोकसभा चुनाव की डेट नहीं आएगी वो प्रोविजनल ही रहेगा, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही रहेगा, और फाइनल शेड्यूल तो उसके बाद ही तय होगा। तो बीसीसीआई में बहुत सारे लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों प्रोविजनल शेड्यूल लाया जा रहा है जब उसका कोई मकसद ही नहीं निकलता। हालांकि ये तीन बड़ी दिक्कतें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी हफ्ते के अंदर कुछ और अपडेट्स निकल कर आएगी, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ।